नॉमिनेट होने के बाद मेरा ये पहला आप लोगों के साथ साक्षात्कार हो रहा है, आप लोगों के साथ भेंट हो रही है। मैं चाहता हूं हमारे हो सकता है आज की इस कार्यक्रम में किसी को हम मंच की ओर बुला नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करता हूं इस मंच के जरिए आने वाले दिन में मंच के हिसाब से अगर जितने भी पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे वे सब हम सब उचित सम्मान देंगे। इसलिए पहला सभा है जिसकी मारत से त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, इसलिए मैं सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। देखिए सौर भारतीय तृणमूल कांग्रेस पूरे उत्तर बंगाल को जिस नजर से देख रही है इससे साफ पता चलता है कि आजादी के बाद अगर कोई सरकार पश्चिम बंगाल में आया है तो मां मां की मांग उसकी सरकार है और हम मां की मांग उसके हम नेता है, हम किसी के सैनिक है, ना हम नारा है, ना बोला है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, हम किसी के सैनिक है, हम किसी के सैनिक है, हम किसी के सैनिक है, हमारा सामने हम धर्म सब एक सामने हम सब एक कार्यकर्ता है। हमारे इस कमेटी आने वाले दिन में कालचीनी को एक आदर्श आदर्श के रूप में परिणित होगी, ना यहाँ गोरा का चेहरा दिखेगा, ना काला का चेहरा दिखेगा, ना हिंदू का दिखेगा, ना मुस्लिम का दिखेगा, ना ईसाई दिखेगा, अगर दिखेगा तो एक बार ना दिल्ली का सैनिक का चेहरा दिखेगा। हमारे कालचीनी को असुविधा होती है कहने के लिए आपके लिए मेरा 24 घंटा घर भी खुला है, अगर सुबह हो या रात हो आपका कोई भी असुविधा हो मैं 100% इस ग्रुप पे उपस्थित रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। इसलिए मंच में लगा हो ना हो दिल में लगा होना पड़ेगा और परिवार हो एक ही ब्लड हो एक ही कलर हो तो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा झूठ फूट होते जाता है, कभी भाई का भाई से, कभी माँ का बाप से, कभी बाप का बेटा से। हम सभी को विभिन्न रूप रंग विभिन्न धर्म विभिन्न भाषा वाली है तो ये आदमी है छोटा मोटा हमारा त्रुटि हो सकता है, लेकिन हम यूनाइटेड है ये हम भी लोगों को दिखाएंगे चेहरा है तो कल का डेट में प्रत्येक अंचल का प्रेसिडेंट भी चेहरा होगा और आने वाले दिन में उस अंचल प्रेसिडेंट को प्रत्येक बूथ से कम 50 मेंबर को लेकर एक मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अपना बूथ सबसे मजबूत हो ताकि अगर विरोधी शक्ति भी हमारे बूथों पर आए तो सिर्फ टीएमसी और टीएमसी नजर आए, उसे किसी को विरोधी पार्टी का एक हिस्सा एक व्यक्ति भी न मिले। हम ये समय पर ऐसा
कि अगर राज्य ने आपके लिए योजना बनाई तो मैं हम सभी इस योजना को आपके घर घर तक पहुंचाएंगे। राजी है जी? अब सब राजी है तो हमें साथ मिलकर चलना है। हमें इसके बाद हो सकता है हमारा प्रोग्राम अलग अलग अंचलों में हो, लेकिन हम आने वाले दिन में ऐसा एक संगठन तैयार करेंगे जिसमें ना कोई भी व्यक्ति सेंट्रलाइज पावर रहेगा, कोई भी व्यक्ति सेंट्रलाइज पावर नहीं होगा। हमारा पावर संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूत के लिए डिसेंट्रलाइज होगा। हमारा पावर हर क्षेत्र में होगा ताकि कोई भी व्यक्ति को कोई असुविधा हो तो व्यक्ति समस्या का हल कर दे। इसके लिए समय लग सकता है, इसके लिए समय लग सकता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा उन तमाम व्यक्ति का सम्मान करना जो दल को आस्था के हाथ तक लाया है। हम हमारा सम्मान हर उस व्यक्ति के लिए रहेगा जो पार्टी को अपना परिवार समझता है। हमारा सम्मान उस हर व्यक्ति के साथ रहेगा जो पार्टी को संगठन से प्यार करता है। हमारा संगठन हम सम्मान उन सबको करेंगे जो हम पार्टी के, हमारे लोग पार्टी के निर्देश से करेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को चाहे नए पुराने, हमारे पुराने कार्यकर्ता हो कुछ सब सबको लेकर मैं हमारा जब टीम बनेगा तो एक लिस्ट भी होगी और एक आने वाले दिन में बहुत सारे ज्वाइन होने जा रहे हैं। और साथ साथ आपका विश्वास दिलाता हूँ, अंचल का प्रेसिडेंट के खबर के बगैर, इंफॉर्मेशन के बगैर कोई आदमी हम लोग डायरेक्ट नहीं लेंगे। हम उनको सूचित करेंगे, उसके बाद लेंगे। इसलिए ओवर पे होने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। आपका सम्मान, मेरा सम्मान, आपका सम्मान बचा रहेगा तो पार्टी बचा रहेगा, यानी हम बचे रहेंगे। इसलिए इस तरह का भ्रमित या इस तरह का व्यू बनना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का असुविधा हो, चाहे वो मतभेद हो चाहे ना हो, चाहे वो डिजिटेटरी पर्सन हो चाहे ना हो, मेरा नंबर सबके लिए खुला रहेगा। आप अगर कोई असुविधा हो मेरे दल में भी डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं दल के संबंध में, लेकिन दल दल के नियम के अनुसार चलेगा। ग्रुप कमेटी है तो ग्रुप के बाद अंचल है, अंचल के बाद बूथ है तो उसका सिस्टम। लेकिन कहीं किसी को कोई ज्यादा असुविधा है तो कहना है हम किसी के साथ मतभेद को हम लोग बात के साथ टेबल में बैठकर मिलाएंगे। हो सकता है मैंने पहले तो एक परिवार के अंदर 10 व्यक्ति है, माँ बाप के साथ मतभेद हो सकता है, बाप को बेटा के साथ मतभेद हो सकता है, बेटी को माँ के साथ मतभेद हो सकता है। जब एक ही प्लान, एक ही जाति, एक ही धर्म के व्यक्ति के घर के अंदर अगर मतभेद हो तो हमारे व्यक्ति को स्वाभाविक है। अगर किसी प्रकार का मतभेद हो तो यदि ब्लॉक प्रेसिडेंट में आश्वासन देता हूँ, आपके बातों को मैं अपने पास रखूंगा, आपके जो भी बात जायज होगा मैं सुनूंगा। इसलिए कभी भी हम लोग इस तरह के मंच में आकर किसी को नहीं बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। आपके लिए आपके द्वार मेरे घर में खुला रहे, इसलिए किसी भी प्रकार का किसी का असुविधा हो तो मेरे घर में। मुझे आप बहुत खुशी लगा, आप जिस तरह से आज हमारे बहुत से कार्यकर्ता शॉर्ट टाइम में, कल 4 बजे ये हुआ, 4 बजे डिक्लेरेशन हुआ, वही 4 बजे के बाद आज का जो भीड़, आज का जो जमावड़ा, आज का जो गैदरिंग, आज का जो समूह, ये साबित करता है कि कालचीनी को टीएमसी का है। ये साबित करता है कि आने वाला 2023 टीएमसी का है। ये साबित करता है कि आने वाला 2024 भी हम सभी का है। इसे अपने अंदर के जज्बातों को, अपने अंदर के जुनून को जलाए रखे, इसे संगठन के काम में रखना है, ना कि हम एक दूसरे का एक रहेंगे। इसे आप सब सबके लिए और आने वाले दिन में जब 11 अंचल का अलग अलग शेड्यूल बनेगा, GP1, GP2, दासीपाड़ा, मालंगी, मेंदावाड़ी, सताली, गारोपाड़ा, चूहापाड़ा, राजा भक्तावन, कालचीनी, लोठावाड़ी, ये तमाम जीपी के साथ अलग अलग बैठेंगे। अलग अलग बैठेंगे उससे क्या होगा, हमारे अगर हमारे बैठक में
कम लोग होंगे तो हम उनके बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि संगठन की भीड़ संगठन की मजबूत होता है। इसे बूथ के लोगों का सुनना, बूथ के लोगों का बातों को सुनना एक पदाधिकारी का, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो या ब्लॉक के अंदर जो भी लीड कर रहा हो या पद में बैठा हो, उसका सुनना उसका कर्तव्य बनता है। इसलिए आने वाले दिन हम लोग सजाएंगे। आज कालचिनी ब्लॉक पूरा 11 जीपी को लेकर हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सब पदाधिकारी हैं, सब लीडरशिप है, तो लीडरशिप इसलिए बहुत थोड़ा मोड़ा ये सब त्रुटि हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में हम लोग अगर जीपी में बैठेंगे, जीपी के अंदर अगर 30 बूथ है तो हम लोग 30 बूथ को तीन जगह बैठेंगे, 10 10 10। समय लगे लेकिन संगठन की बातों को हम सुनेंगे, लोगों की कहा सुविधा। और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक नया अध्याय कालचिनी ब्लॉक का शुरू होने जा रही है, जिसमें केवल ब्लॉक प्रेसिडेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि हम कालचिनी ब्लॉक में एक। मैं इस मीटिंग के माध्यम सभा के माध्यम से भी माननीय सुश्री ममता दीदी, ममता बनर्जी, माननीय अभिषेक बनर्जी, माननीय रीता प्रता बनर्जी, माननीय मनोज भगत जी, माननीय चेता रमन जी और तमाम हमारे शीर्ष नेतागण राज्य के, उन तमाम शीर्ष अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे निरंतर इन पदों के लिए लायक समझे, इन पदों का मुझे जिम्मेवारी मिला। मैं ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट को, ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो डिजिटेशन है उसको मैं पद के हिसाब से नहीं, जिम्मेवारी के हिसाब से निभाऊंगा और यह जिम्मेवारी मेरे कंधों में रहेगी तो मैं अकेले डिसीजन लेकर कुछ नहीं करूंगा। हमारा टीम, हमारा कार्यकर्ता, पार्टी का श्रृंखला, पार्टी का नियम, पार्टी का निर्देश को अनुसरण करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए आज इस छोटी सी सभा, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि हमारा संगठन बेहतर संगठन की ओर जा रही है और हम सब मिलकर चलेंगे। बस इतने कहते हुए तमाम व्यक्ति जो मेरे आवाज सुन रहे हैं, जो बहुत के अंदर है, बारा खुद से आए हुए, अंचल से आए हुए, ब्लॉक से आए हुए और हमारे जितने भी शाखा संगठन के लोग यहाँ उपस्थित है, तहे दिल से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस छोटे से समय में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शा कर ये साबित कर दिया कि हम ना काले हैं, फिर बोल रहा हूँ, ना हम ना काले हैं, ना गोरे हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, अगर हम हैं तो क्या है, टीवी के सही नहीं, क्या है, टीवी के सही। हमारा एकमात्र पहचान रहेगा हम टीवी के सही। बस इतने कहते हुए सभी को धन्यवाद और सभी को हाथ दिया गया। बस New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.